एक जंगल में एक गिद्ध रहता था। उसे उसी जंगल में रहने वाले एक भैंस से उसकी दोस्ती हो गई। वह दोनों रोज नदी के किनारे मिलते और ढेर सारी बातें किया करते। एक दिन गिद्धड़ को कहीं से पता चला कि नदी के पार स्थित खेतों में खरबूज पक चुके हैं। गिद्धड़ तुरंत अपने मित्र भैंस के पास गया और कहने लगा, मित्र मैं खरबूज खाना चाहता हूँ, लेकिन मैं तैर नहीं सकता, क्या तुम अपने पीठ पर बैठाकर नदी उस पार खरबूज खाने ले चलोगे? भैंस अपने मित्र को कैसे इनकार करता। उसने गिद्धड़ को अपने पीठ पर बैठाया और नदी के पानी में तैरने लगा। वहाँ पहुँचने के बाद दोनों ने जम के खरबूज खाए। जब गिद्धड़ का पेट भर गया तो वह तेज आवाज में गुर्राने लगा। इधर उसकी आवाज़ खेत के मालिक के कानों में पड़ गई, जो कि वह खेत के बगल में सो रहा था। जब खेत का मालिक आया तो खेत के मालिक को देखकर गिद्धड़ एक पेड़ के पीछे छुप गया और भैंस के लिए यह संभव नहीं था। भैंस को किसान ने पीटते पीटते खेत से बाहर खेद दिया। भैंस को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह चुपचाप रहा। जब वह नदी पार करने जा रहे थे, बीच नदी में जाकर भैंस पानी में डुबकी लगाने लगी। गिद्धड़ बहुत मुश्किल से जान बचाकर बाहर निकल पाया। इसीलिए दोस्तों, हमें अपने दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए तो लोग हमारे साथ कभी बुरा नहीं करेंगे।